आज मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने जा रही हूँ। उसके लिए बटाटा इस प्रकार काट के लेना है, तेल और नमक लगेगा। अब हम तेल को गरम करने डाल रहे हैं इस प्रकार। तेल को हम पूरा हॉट होने तक, गरम होने तक रखेंगे। अब हम बटाटे को तेल में फ्राई होने डालेंगे। जब तक ये आवाज़ कम नहीं होता तब तक हमें उसे फ्राई करके लेना है। इस प्रकार हमें बटाटे को फ्राई करके लेना है, उसका आवाज़ तड़कने का जब तक बंद नहीं होता तब तक फ्राई करते रहना है। प्रकार हमें फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करके लेना है। अब हमें उसके ऊपर नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस प्रकार से मिक्स कर लेना है। ये देखो कैसी क्रिस्पी बनी हुई है। हमारी फ्रेंच फ्राइज रेडी है।